नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पक्ष मिल बैठकर सुलझाएं अयोध्या विवाद। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से इस मुद्दे को मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शीर्ष अदालत के सुझाव का स्वागत किया है। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने यह सुझाव मानने से इनकार कर दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए बेहतर होगा कि मामले से जुड़े पक्ष इसे आपसी सहमति से सुलझा लें। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष चाहें तो वह खुद इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार हैं या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को भी वह इसके लिए चुन सकते हैं। स्वामी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए न्यायालय ही आदेश दे तो उचित होगा। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे इस मामले को 31 मार्च को न्यायालय में फिर से उठाने को कहा है। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब गिलानी ने कहा कि कोर्ट के बाहर इस मामले में समझौता नहीं हो सकता। इसके उलट राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक अफजाल अहमद ने शीर्ष न्यायालय के इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह मामला बातचीत से हल हो सकता है और दोनों पक्षों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। अहमद ने कहा कि देश में अमन और चैन के लिए हम तैयार हैं और एकता तथा अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों समाज को मिलकर काम करना चाहिए और जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। ये नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बीच नरेंद्र मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ। यूपी की विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाज रविंद्र जडेजा शीर्ष पर, बल्लेबाजी में चेतेश्वर पुजारा दूसरे स्थान पर। पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, कई अन्य बीमार। सर्जिकल स्ट्राइक के नायक मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। सेना ने पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा बताया 3 साल में हिरासत में 308 लोगों की मौत, एक भी पुलिसकर्मी दोषी नहीं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।